हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू योर यूपीएससी सो गाइस आज की क्लास से वी विल स्टार्ट विद अ न्यू सीरीज दैट इज़ टेंपल ऑफ इंडिया नाउ गाइस जो ये सीरीज़ है इसमें आई विल ट्राई टू कवर मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंपल्स ऑफ इंडिया स्टेट वाइज ठीक है तो स्टेट अपन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेंगे तो सबसे पहला जो अपना स्टेट आएगा वो होगा आंध्र प्रदेश तो अपन इसमें आंध्र प्रदेश के सारे इंपॉर्टेंट टेंपल्स पढ़ेंगे बट बिफोर स्टार्टिंग विद द टेंपल्स ठीक है अपन पहले क्विक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं टेम्पल आर्किटेक्चरल स्टाइल का सो लेट्स गेट स्टार्टेड, सो ऑफ इंडिया, नाउ गाइस बेसिकली वी हैव थ्री स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर दैट इज नागरा स्टाइल द्रविड़ स्टाइल एंड वेसर स्टाइल ठीक है तो नागरा स्टाइल आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया में है द्रविडियन स्टाइल अगर आप देखेंगे तो साउथ इंडियन स्टाइल है टेम्पल आर्किटेक्चर की एंड वेसरा स्टाइल नागरा और द्रविडियन स्टाइल के बीच में आती है दैट इज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन नागरा एंड द्रविडियन ठीक है तो वो वेसर स्टाइल है नाउ बेसिकली अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए ठीक है मैप में अगर अपन इसको देखें तो आप क्या देखेंगे दैट हिमालयन रीजन से ठीक है हिमालयन रीजन से जो विंध्या रेंजेस है ठीक है यहाँ पर विंध्यन रेंजेस है ठीक है तो ये विंध्यन रेंजेस तक यहाँ पर आएगी आपकी नागरा स्टाइल ओके एंड देन आप क्या देखेंगे यहाँ पर आपकी रिवर है कृष्णा रिवर ठीक है कृष्णा रिवर से नीचे ठीक है कृष्णा रिवर से नीचे आएगी ध्रुवेडियन स्टाइल एंड बिटवीन नागरा स्टाइल एंड द्रिवेडियन स्टाइल दैट इज बिटवीन द विियन रेंजेस एंड द कृष्णा रिवर ठीक है यहां पर आएगी आपकी वेसर स्टाइल ठीक है तो वेसर स्टाइल में क्या देखेंगे अपन की नागरा स्टाइल और द्रिवेडियन स्टाइल ठीक है इनके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं कुछ नागरा स्टाइल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स उठाए होंगे कुछ द्रिवेडियन स्टाइल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स उठाए होंगे और इन दोनों के कंफ्लूजन से आपकी बनेगी वेसर स्टाइल ठीक है ना फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद अ नागरा स्टाइल तो नागरा स्टाइल में गाइस अपने को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे अपन इसके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे ठीक है तो सबसे पहले तो ये नॉर्थ इंडियन टेंपल आर्किटेक्चरल स्टाइल है ठीक है अपन ने इसका एक्सटेंट देख लिया दैट इज फ्रॉम हिमालयन रीजन ठीक है हिमालयन रीजन से नीचे दैट इज जो अपना नर्दन प्लेन है ठीक है नॉर्थ गैंगटिक प्लेन है वहां से स्टार्ट होगी ये एंड विंध्यन रेंजेस तक ये एक्सटेंड करेगी ठीक है विंध्या रेंजेस तक ये एक्सटेंड करेगी उसके बाद अपन देखेंगे दैट यहां पर सबसे पहली चीज जो अपन देखेंगे गाइस वो है कि आपका ये जो टेम्पल है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक रेस्ड प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है ठीक है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रेस्ड प्लेटफॉर्म ठीक है एक रेस प्लेटफॉर्म पे आपका टेम्पल बना हुआ है ठीक है नाउ इस रेस प्लेटफॉर्म को अपन क्या बोलते हैं गाइस अधिष्ठान ठीक है अधिष्ठान बोला जाता है इसको एंड कुछ कुछ टेंपल आप देखेंगे इसके ऊपर भी एक रेस प्लेटफॉर्म बनाया होता है ठीक है जिस पर मेन टेम्पल आर्किटेक्चरल बिल्डिंग होती है ठीक है अब यहां पर आप देखेंगे ये जो आपका रेस प्लेटफॉर्म होता है जो सेकेंड लेवल का रेस प्लेटफॉर्म होता है इसको जगती बोलते हैं नाउ ये ध्यान देने वाली बात है गाइस कहीं कहीं पर आपको जगती नीचे वाला पार्ट दिखेगा एंड अधिष्ठान ऊपर वाला पार्ट दिखेगा ठीक है तो इन चीजों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है ठीक है कहीं पर आपको अधिष्ठान ऊपर दिखेगा एंड जगती नीचे दिखेगा तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है ये दोनों ही बेसिकली आपके क्या है रेस्ट प्लेटफॉर्म है ठीक है तो आप क्या देखेंगे जो मेन बिल्डिंग है ठीक है सबसे पहले तो पूरे एरिना को आपने ऊपर उठा दिया ठीक है फिर जो टेम्पल की मेन बिल्डिंग है उसको आपने फर्दर ऊपर उठा दिया ठीक है तो यहां पर आप देखेंगे अधिष्ठान ठीक है एंड यहां पर आप देखेंगे जगती ठीक है तो ये दोनों क्या हो गए आपके रेस्ट प्लेटफॉर्म अ से एक बार इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं अपन जिससे अपने को बेसिकली सारी चीजें समझ में आ जाएंगे यहां पे, ठीक है तो अपना पहला रेस प्लेटफॉर्म बना जिसको अपन ने कहा अधान ठीक है जो दूसरा रेस प्लेटफॉर्म बना उसको अपन ने कहा जगती ठीक है नाउ इस पर गाइस अपना क्या बनेगा टेम्पल बनेगा ठीक है इस पर अपना मेन मंदिर का स्ट्रक्चर बनेगा अब ये जो मंदिर का स्ट्रक्चर है ठीक है इस मंदिर के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे आपको कई सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे सबसे पहला तो आता है अपना गर्भगृह ठीक है गर्भगृह दैट इज संगटम सेंटोरियम संगटम सेंटोरियम क्या है जहां पर मेन डेटी को ठीक है जो मेन आपके देवता है उनको रखा जाता है ठीक है इसको क्या बोला जाता है guys, ये जो गृह है इधर आपके मेन देवता देवता को रखा गया है है अब इस जो देवता है अपने ठीक है इनको एक फर्दर रेस्ट प्लेटफॉर्म पे रखा जाता है जिसको अपन बोलते हैं पीठ ठीक है इसको अपन बोलते हैं पीठ ठीक है ये आपका हो गया संगटम सेंटोरियम अब इसके ऊपर आप देखेंगे कि जो आपकी रूफ है ठीक है वो थोड़ी कोनिकल शेप की है ठीक है थोड़ी कोनिकल शेप की रूफ है नाउ ये जो रूफ है इसको कहा जाता है शिखर ठीक है इस रूफ को कहा जाएगा शिखर शिखर के ऊपर आप देखेंगे कुछ फिगर्स हैं अपने ठीक है जैसे यहां पर आप देख सकते हैं तो सबसे पहली जो अपनी फिगर आएगी दैट इज अम्लका ठीक है ये है अपनी अम्लका नाउ ये जो अम्लिका है ठीक है ये बेसिकली आपकी अर्थ को रिप्रेजेंट करती है ठीक है इट रिप्रेजेंट अर्थ गेटिंग द पॉइंट एवरी वन ठीक है ये बेसिकली आपकी अर्थ को दर्शाती है ठीक है अम्लका के ऊपर आपके कलश रखे जाएंगे ठीक है कलश रखे जाएंगे एक हो सकते हैं दो हो सकते हैं तीन हो सकते हैं ठीक है ठीके? तो आप देखेंगे इसके ऊपर कलश रखे गए हैं जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है नाउ ये जो कलश हैं, गाइस ठीक है ये जो कलश हैं, इन पर इनमें बेसिकली माना जाता है कि इसमें क्या है अमृत ठीक है अमृत दैट इज नेक्ट ठीक है इसमें क्या है अमृत है एंड ये जो अमृत है इसको माना जाता है इसमें पूरी एनर्जी है ठीक है जिससे आप इस यूनिवर्स को चला सकते हैं ठीक है ठीके? तो एक तो आप क्या कहेंगे इसमें क्या है अमृत है या फिर इसमें क्या है इस कलश में एनर्जी जिसको किसके काम लेंगे आप पूरे यूनिवर्स को चलाने के लिए ठीक है पूरे यूनिवर्स को चलाने के लिए दैट इज ब्रह्मांड को चलाने की ऊर्जा इन कलश में है ठीक है या फिर अमृत है इस कलश में लास्टली आपका आएगा पताका ठीक है पताका आपने कभी देखा होगा तो ऑरेंज कलर का एक फ्लैग रहता है यहां पर ठीक है काफी सारे मंदिरों में ये क्या होता है इसे क्या कहते हैं पताका पताका बेसिकली गाइस जो आपके मेन डेटी है ठीक है जो मेन भगवान है यहां पर उनकी संप्रभुता ठीक है उनकी संप्रभुता को दिखाता है गेटिंग द पॉइंट एवरी ठीक है तो उनकी संप्रभुता को दिखाता है दैट इज उनकी सॉवरिनिटी को दिखाता है तो ये क्या हो गया आपका पता का ना नाउ आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा जो मेन आपका टेम्पल है ठीक है वो क्या है उसमें क्या क्या आएगा सबसे पहले तो आपका संगटम सेंटोरियम आ गया ठीक है जिसके अंदर मेन डेटी को रखा जाएगा एक रेस प्लेटफॉर्म पे जिसको बोलते हैं अपन पीठ ठीक है जो रूफ होगी वो बेसिकली फ्लैट नहीं होगी ठीक है वो एक शेप लिए होगी कॉनिकल शेप लिए होगी इस कॉनिकल शेप को अपन क्या कहेंगे शिखर ठीक है इस कॉनिकल शेप को अपन कहेंगे शिखर शिखर के ऊपर गाइस क्या होगा आपका शिखर के ऊपर आपकी होगी अम्लका ठीक है शिखर के ऊपर होगी अम्लका अम्लका बेसिकली रिप्रेजेंट करती है पूरी पृथ्वी को या फिर अर्थ को ठीक है नाउ इस अम्लका के ऊपर आपके कलश रखे गए हैं ठीक है ये जो कलश है इसमें कहा जाता है कि इसमें क्या है अमृत है ठीक है दे आर रिप्रेजेंटिंग अमृत या फिर एनर्जी है इसमें जो कि पूरे यूनिवर्स को चला सकती है ठीक है लास्टली सबसे ऊपर आप देखेंगे पताका ठीक है पताका ठीक है पताका बेसिकली क्या है सॉवरेनिटी दिखा रहा है आपके जो मेन डेटी है उनकी ठीक है दैट इज संप्रभुता दिखा रहा है आपने कभी भी देखा होगा ठीक है कोई सा भी देश किसी भी दूसरे देश को कौन करता है तो सबसे पहले क्या लगाता है वहां पे खुद का फ्लैग लगाता है यस और नो ठीक है तो वो क्या कर रहे हैं अपन अपनी सॉवरेनिटी को बता रहे हैं ठीक है दैट दिस एरिया बिलोंग्स टू मी ठीक है गेटिंग द पॉइंट तो इसी तरीके से क्या है ये जो पताका है ये जो मेन डेटी है उनकी संप्रभुता को दिखा रहा है ठीक है नाउ गाइज ये तो क्या हो गया आपका मेन स्ट्रक्चर हो गया ठीक है अब आप क्या देखेंगे गाइज विद द टाइम एंड डेवलपमेंट ठीक है आपके कुछ चेंजेस आने लगे बिल्डिंग्स थोड़ी बड़ी होने लगी जस्ट अ सेकेंड आप क्या देखेंगे बिल्डिंग्स धीरे धीरे क्या होने लगी बड़ी होने लगी तो सबसे पहले तो आपका मेन जो आएगा ठीक है ये आ गया आपका मेन टेंपल ठीक है जिसको आप कहेंगे सेंटम सेंटोरियम इसके ऊपर आपके अमल का है कलश है पताका है ठीक है अब इसके बाद आप क्या देखेंगे जो साइड में स्ट्रक्चर बनेंगे उन्हें अपन कहेंगे मंडप ठीक है मंडप अब मंडप गाइज आप देख रहे होंगे जैसे यहाँ पर ठीक है हर एक मंडप क्या होता जा रहा है छोटा होता जा रहा है एंड अगर आप जो मेन शिखर है उसके कंपैरिजन में आप देखेंगे ठीक है तो यहाँ के शिखर क्या है ब्रॉड है ठीक है चौड़े हैं मतलब ज़्यादा एरिया घेरा हुआ है इन्होंने एंड नीचे हैं ठीक है ठीके? जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है ठीके? ये क्या है एरिया इसका छोटा है ठीक है बट ये क्या है बहुत ऊंचा है बहुत ऊंचा है ये हाइट में ठीक है वेर एज जो आपका मंडप है ठीक है जो मंडप है वो क्या है एरिया में बड़ा है फैलाव उसका बड़ा है ठीक है बट हाइट इसकी क्या है कम है ठीक है गेटिंग द पॉइंट एवरी ठीक है तो मंडप आएंगे अपने मंडप आप क्या देखेंगे ये ब्रॉड होते जाएंगे ठीक है ब्रॉड होते जाएंगे एंड हाइट इनकी कम होती जाएगी बट दूसरा आप देखेंगे मंडप वो क्या है हाइट में छोटा हो गया है ठीक है एंड एरिया वाइज भी छोटा हो गया है ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं एरिया वाइज भी छोटा हो, हो गया है हाइट में भी छोटा हो गया है नाउ गाइज ज्यादातर ज्यादातर जो आपके मंडप होते थे ठीक है वो बेसिकली क्या होते थे ये पिलर्ड हॉल होते थे ठीक है पिलर्ड हॉल होते थे मतलब इनमें इन क्या लगा होता था पिलर लगा हुआ होता था बस ठीक है दीवारें नहीं होती थी यहां पर ठीक है दीवारें नहीं होती थी तो ये क्या है बेसिकली आपका स्ट्रक्चर है इनको क्या कहा जाता है मंडप ठीक है अब मंडप बेसिकली क्या है इसमें डिवोटीज अपनी प्रेयर करेंगे ठीक है भजन गाएंगे ठीक है डिवोशनल सॉन्ग्स गाएंगे ये सारी चीजें होंगी ठीक है फिर आगे आपने क्या देखा मंडप में और थोड़ी प्रोग्रेस होने लगी ठीक है डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट आपके क्या बनाए जाने लगे मंडप बनाए जाने लगे ठीक है जैसे आप क्या देखेंगे भोग मंडप नट मंडप ठीक है ये क्या है डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेस के लिए आपके डिफरेंट डिफरेंट एरियाज बना दिए गए ठीक है जिनका क्या है एक पर्टिकुलर पर्पज है जैसे भोग मंडप में आपको प्रसाद मिलेगा या भगवान का भोग बनाया जाएगा ठीक है नट मंडप में बेसिकली जो देवदासीज है ठीक है जो देवदासीज हैं वो क्या करेंगी वो भगवान को खुश करने के लिए ठीक है वो डांस परफॉर्म करेंगी ठीक है वो क्या हो गया आपका वो हो गया आपका नट मंडप इसी तरीके से आपके डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेज के लिए डिफरेंट डिफरेंट मंडप दिखेंगे नाउ आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा गाइस ठीक है आगे अपन देखते हैं नो गाइस अगर आप इस फिगर को ठीक है जो फिगर था यहाँ पर इस फिगर को ढंग से देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक बाउंड्री वॉल दिख रही है ठीक है बाउंड्री वॉल दिख रही है ठीक है तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे सबसे पहले आप देखेंगे अपन ने क्या देखा इसमें शिखर आएंगे ठीक है एंड आप क्या आएंगे ठीक है शिखर का फीचर हो गया देन अम्ल का फीचर हो गया इसके बाद आप क्या देखेंगे अम्ल का फिर कलश एंड लास्टली पताका उसके बाद आप क्या देखेंगे जो एक्स्ट्रा स्पेस बना दी गई इनको क्या बोलेंगे मंडप ठीक है मंडप अब इसके बाद आप क्या देखेंगे गाइस दैट ये तो होगा आपके मेन फीचर्स ठीक है ये तो होगा आपके मेन फीचर्स बट अगर अपन देखें बेसिकली नागरा स्टाइल को नॉर्मली देखा जाए ठीक है तो आपको यहां पर बाउंड्री वॉल नहीं दिखेगी ठीक है बाउंड्री वॉल आपको नागरा स्टाइल में नहीं देखने को मिलती ठीक है गाइज बाउंड्री वॉल अपने को नागरा स्टाइल में नहीं देखने को मिलती कुछ कुछ जो आपके एक्सेप्शन हैं वहां पर आपको बाउंड्री वॉल्स देखने को मिलेंगी ठीक है बट ज्यादातर नागरा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर में आपको बाउंड्री वॉल देखने को नहीं मिलती ठीक है तीसरी चीज अगर आप देखेंगे ठीक है यहां पर क्या है आपका सर्कम एम्बुलटरी पाथवे है दैट इज परिदक्षिणा पथ ठीक है जो परिदक्षिणा पथ है वो कैसा होता है अनकवर्ड ठीक है मतलब ऊपर कोई रूफ नहीं होती ठीक है तो अनकवर्ड सर्कम एम्बुलटरी पाथवे ठीक है सरकम एम्ब्युलेट्री पाथवे होता है आपका वो कैसा होता है अनकवर्ड ठीक है आप देखेंगे जो खजुराहो टेम्पल है ठीक है गई जो खजुराहो टेम्पल आर्किटेक्चर है ठीक है नागरा स्टाइल में वहां पर आपको कवर्ड सर्कम एम्बुलेट्री पाथवे दिखेगा बट जनरली अगर अपन नागरा स्टाइल की बात करें ठीक है तो आपको कैसा दिखेगा आपको अनकवर्ड सर्कम एम्बुलटरी पाथवे दिखेगा ठीक है इसके बाद अपन देखेंगे ये क्या हो गया अपने बाउंड्री वॉल नहीं है यहाँ पे ठीक है आपका जो पाथवे है वो कैसा है वो कवर्ड नहीं है ठीक है आपका जो सर्कम एम्बुलेट्री पाथवे है वो कवर्ड नहीं है नाउ नेक्स्ट चीज आती है गाइज यहाँ पर कोई भी वाटर टैंक का आपको कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलेगा ठीक है वाटर टैंक का आपको कोई कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलेगा ठीक है जैसे द्रविड़ियन आर्किटेक्चर में आप देखेंगे एक आपको वाटर टैंक मिलता है ठीक है हर मंदिर में आपको मेनली वाटर टैंक मिलेगा ठीक है जहां पर वाटर स्टोर करके रखा जाता है बट नागरा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर की अपन बात करेंगे अगर तो यहाँ पर कोई भी वाटर टैंक का कॉन्सेप्ट नहीं दिखेगा ठीक है कुछ एक्सेप्शनल्स हैं आपके ठीक है कुछ एक्सेप्शन हैं आपके ठीक है बट तो अपन जनरल बात कर रहे हैं ठीक है जनरल बात कर रहे हैं क्योंकि अपन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं नागरा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर की तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे जो अपने को वाटर टैंक का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं दिखाई देगा गेटिंग द पॉइंट एवरी ठीक है नाउ नागरा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर की अगर अपन बात करें तो गाइज इसका मेन ओरिजन आप देखेंगे गुप्ता पीरियड में हुआ था ठीक है गुप्ता पीरियड में नागरा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर का क्या हुआ था ओरिजन हुआ था एंड डेवलपमेंट हुआ था ठीक है काफी ज्यादा डेवलपमेंट भी आपको कहां पे देखने को मिलेगा गुप्ता पीरियड में देखने को मिलेगा ठीक है तो गुप्ता पीरियड बेसिकली गाइज अगर आप सारी चीज़ों को देखें ठीक है आर्ट एंड कल्चर की अगर अपन सारी चीज़ों की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा दैट गुप्ता जो पीरियड था वो बेसिकली गोल्डन एज है इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर ठीक है हर एक आर्ट एंड कल्चर में आप देखेंगे गुप्ता पीरियड में काफ़ी अच्छा काम किया गया है ठीक है क्योंकि क्या देखेंगे आप वहाँ पे जो गुप्ता पीरियड के जो रूलर्स थे ठीक है जो रूलर्स थे गुप्ता पीरियड के वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे ठीक है जो आपका एम्पायर था वो बहुत ही ज़्यादा वेल्दी था ठीक है इस वजह से आप क्या देखेंगे गुप्ता पीरियड में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है आर्ट एंड कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में ठीक है तो ज़्यादातर आपको डेवलपमेंट दिखेगा गुप्ता पीरियड में एंड सेम आपको कॉन्सेप्ट दिखेगा ठीक है सेम आपको कॉन्सेप्ट दिखेगा इन द साउथ इंडिया विद द रिलेशन इन कॉन्टेक्स्ट विद विजयनगर एम्पायर ठीक है विजयनगर एम्पायर में भी आपको काफ़ी ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा पेंटिंग में लिटरेचर में टेम्पल आर्किटेक्चर में ठीक है तो साउथ इंडिया में बेसिकली अपन कह सकते हैं विजयनगरा जो एम्पायर था वो गोल्डन एज था एज गुप्ता एम्पायर क्या है गोल्डन एज है ठीक है नागरा स्टाइल आई होप आपको कॉमन जो चीज़ें हैं जो जनरल चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी ठीक है अपन ने क्या देखा ये मेनली कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है गाइज ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम द हिमालयन फुटहिल्स से लेकर ठीक है जिसमें आपका नॉर्थ गैंगटिक प्लेन वगैरह सब आ जाएगा विंध्या रेंजेस तक ठीक है यहां पर आपका पूरा क्या है नागरा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर ठीक है नागरा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर का मेन ओरिजिन हुआ था गुप्ता पीरियड में ठीक है गुप्ता पीरियड के टाइम जो ओरिजिन है नागरा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर का हुआ था ठीक है अब आप क्या देखेंगे गाइस यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं रेस्ट प्लेटफॉर्म ठीक है जो मंदिर बने होते हैं वो बेसिकली रेस्ट प्लेटफॉर्म पे बने होते हैं ठीक है मतलब ऊंचाई लेते हुए बने होते हैं ठीक है तो सबसे पहला जो रेस्ट प्लेटफॉर्म होगा उसको आप अधिष्ठान बोलेंगे ठीक है सेकेंड जो रेस्ट प्लेटफॉर्म है उसको जगती बोलेंगे ठीक है इसके ऊपर आप क्या देखेंगे जो मेन बिल्डिंग है उसको बनाया गया है ठीक है मेन बिल्डिंग को बनाया गया है मेन बिल्डिंग में सबसे पहले आप देखेंगे क्या आता है गर्भगृह ठीक है गर्भगृह गर्भगृह में आपके मेन जो डेटी हैं ठीक है ठीके? जो मुख्य जो आपके देवता हैं उनको रखा जाता है और उनको भी एक रेस्ट प्लेटफॉर्म पर रखा जाएगा ठीक है उनको भी एक रेस्ट प्लेटफॉर्म पर रखा जाएगा जिसको आप क्या कहेंगे पीठ ठीक है जैसे अपन शक्ति पीठ वगैरह बोलते हैं तो वो बेसिकली ये पीठ है ठीक है उनको रेस्ट प्लेटफॉर्म पे रखा जाता है ठीक है एंड इस पूरे एरिया को आप क्या बोलेंगे गर्भ गृह को आप क्या बोलेंगे समटम सेंटोरियम नाउ गाइज रूफ क्या है फ्लैट होने की जगह ये कोनिकल शेप की है ठीक है कोनिकल शेप की है तो यहां पर आप क्या देखेंगे कोनिकल शेप की जो रूफ है उसको कहा जाता है शिखर ठीक है शिखर शिखर के बाद आप क्या देखेंगे शिखर के ऊपर आता है आपका अम्लका जो कि पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है उसके ऊपर आते हैं आपके कलश जिसके अंदर माना जाता है अमृत है या फिर एनर्जी है जो कि पूरे ब्रह्मांड को दैट पूरे यूनिवर्स को चला रही है ठीक है एंड कलश के ऊपर आता है आपका पताका ठीक है पताका बेसिकली जो आपके मेन देवता हैं ठीक है थीके? उनकी संप्रभुता को दिखाता है उनकी सोवरेनिटी को दिखाता है ठीक है नाउ इसके बाद आप क्या देखेंगे जो आपका टेम्पल है ठीक है इसमें फर्दर डेवलपमेंट होते हैं आपके मंडप्स आएंगे ठीक है मंडप्स अपन ने देख लिया जो रूफ होगी वो कोनिकल शेप की होगी ठीक है वो इसी ट्राइ मतलब कोनिकल शेप की होगी बट वो कैसी होगी ब्रॉड होगी ठीक है प्लस हाइट जो होगी इनकी वो छोटी होगी ठीक है हाइट जो होगी वो छोटी होगी एंड मंडप्स में भी आप बेसिकली और ज़्यादा डेवलपमेंट देखेंगे आप फर्दर आपके क्या है डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए आपके डिफरेंट डिफरेंट मंडप्स बनते जाएंगे ठीक है तो इनको आप क्या बोलेंगे ये होते हैं आपके मंडप इन इनमें बेसिकली पिलर्ड हॉल बोला जाता है इनको ठीक है ये क्या है पिलर्ड हॉल ठीक है पिलर्ड हॉल है अब यहां पर आप क्या देखेंगे जनरली जो नागरा नागरा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर है वहां पर आपको बाउंड्री वॉल्स देखने को नहीं मिलेंगी ठीक है बाउंड्री वॉल्स देखने को नहीं मिलेंगी जो सर्कम एम्बुलटरी पाथवे है वो अनकवर्ड रहता है ठीक है वाटर वाटर टैंक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा एंड लास्टली चारों डायरेक्शन में गाइस चारों डायरेक्शन में आपको एंट्री गेट मिलेंगे ठीक है जहां से आप एंटर हो सकते हैं इनको क्या क्या कहा जाता है इनको कहा जाता है तोरण द्वार तोरण द्वार ठीक है तोरण द्वार ठीक है जैसे जैसे आप नागरा स्टाइल में डेवलपमेंट देखेंगे गाइस तोरण द्वार बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट किए जाएंगे ठीक है इनमें डेकोरेशन बहुत ज़्यादा होगी ठीक है नाउ, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर नागरा स्टाइल का आपको बाहर की दीवारों में बहुत ही ब्यूटिफुल काविंग्स दिखेंगी ठीक है जैसे बहुत ही सुंदर नकाशी की गई है ठीक है बाहर की दीवारों में बट अंदर की दीवारें बिल्कुल प्लेन होंगी ठीक है नागरा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर में अंदर की दीवारें बिल्कुल प्लेन होंगी एंड बाहर की दीवारों पे बहुत ही सुंदर नकाशी की गई है ठीक है अब जो पिलर होंगे यहाँ पर वो बेसिकली सिंपल होंगे ठीक है बिल्कुल सिंपल होंगे आपके पिलर्स ज्यादातर ठीक है तोरण द्वार आप क्या देखेंगे जैसे जैसे डेवलपमेंट देखते हैं अपन नागरा स्टाइल में वैसे वैसे आप क्या देखेंगे तोरण द्वार में चेंजेस आते जाएंगे ठीक है ना ये हो गया अपना नागरा स्टाइल ठीक है इसके बाद गाइज अपन पहले द्रविडियन स्टाइल दे देते हैं ठीक है द्रविडियन स्टाइल इसलिए कि जिससे अपन क्या कर सके वैसरा स्टाइल को जल्दी से कंप्लीट कर सके कंपैरिजन के थ्रू ठीक है वैसरा स्टाइल जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा अपना कंपैरिजन के थ्रू अगर अपन द्रविडियन स्टाइल पहले ले लेंगे लें ठीक है तो अपन सबसे पहले लेंगे द्रविडियन स्टाइल नेक्स्ट इज द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर ठीक है स्टाइल आर्किटेक्चर को अपन देखेंगे ये कहां पर डेवलप हुआ था कृष्णा रिवर से नीचे ठीक है कृष्णा रिवर से नीचे वाले एरिया में इसका डेवलपमेंट होता है एंड सेवेंथ टू टेंथ सेंचुरी ठीक है सेवेंथ टू टेंथ सेंचुरी एरिया आपको क्या देखने को मिलेगा इसका डेवलपमेंट देखने को मिलेगा तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे पल्लव एम्पायर ठीक है पल्लव एम्पायर ने बेसिकली द्रिवेडियन स्टाइल टैम टेम्पल आर्किटेक्चर को डेवलप किया था ठीक है उसके बाद अपन देखेंगे इसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट आता है जस्ट अ सेकेंड ओके इसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट आता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चोला एम्पायर ठीक है चोल शासकों के काल में इसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था एंड लेटर ऑन विजयनगर एम्पायर के टाइम ये पीक पर अपने पहुँच गया था ठीक है अपने चरम पर पहुंच गया था क्योंकि आप क्या देखेंगे काफी विजय नगर एम्पायर ऊंचे बहुत ज्यादा बड़ा एरिया देखने को मिलेगा आपको विजयनगर एम्पायर टेम्पल्स का ठीक है जो कि उस टाइम बने थे नाउ इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख लेते हैं अपन नाउ गाइस इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में कंपेयर करते हुए है? चलते हैं ठीक है विजन अगर अपन ने देख लिया तो अपन कंपेयर करते हुए चलेंगे तो अपने को ज्यादा याद रहेगा सबसे पहले अपन ने बात की थी वहां पर रेस्ट प्लेटफॉर्म की ठीक है रेस्ड प्लेटफॉर्म सो सॉरी ठीक है रेस्ट प्लेटफॉर्म की बात की थी नाउ गाइज जो रेस्ट प्लेटफॉर्म है वहां पर आप क्या देखेंगे रेस प्लेटफॉर्म का को, कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है ठीक है यहाँ पर कोई भी रेस प्लेटफॉर्म का आपको कॉन्सेप्ट नहीं दिखेगा ठीक है दैट इज जो मेन लैंड है ठीक है वहीं से आपका टेम्पल बनाना शुरू कर दिया गया है एक अलग से चबूतरा या प्लेटफॉर्म नहीं बनाया गया ठीक है कि उस टेम्पल का जो स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा रेस किया जाए ठीक है ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आपको नहीं दिखेगा यहां पर ठीक है सेकेंड चीज अपन देखते हैं अपन ने क्या देखा था जो रूफ है वहां पर कैसी है कोनिकल शेप की ठीक है या फिर माउंटेन शेप की यहां पर आपको पैरामिडल शेप की रूफ दिखेगी ठीक है इस तरीके से कुछ ठीक है इस तरीके से कुछ आपको रूफ दिखेगी एंड इस रूफ को कहा जाता है विमान ठीक है वहां पर आपका क्या था शिखर का कॉन्सेप्ट था वहाँ पर शिखर का कॉन्सेप्ट था यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाएगा किसका विमान का गेटिंग द पॉइंट ऑफ विमान ठीक है यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाएगा विमान का अब नेक्स्ट जो चीज़ देखी जाती है यहाँ पर वो होगी आपकी संगटम सेंटोरियम ठीक है तो आपका गृह जो है ठीक है यहाँ पर जो गृह है वो क्या देखेंगे आप गाइस यहां पर जो गृह है वो बेसिकली कैसा है स्क्वायर शेप का ठीक है वेर एज नागरा स्टाइल में आपको रेक्टेंगुलर शेप का आपको देखने को मिलता ठीक है रेक्टेंगुलर शेप का मतलब लेंथ और ब्रेथ में आपको डिफरेंस देखने को मिलता वेर एज यहाँ पर आपको बिल्कुल स्क्वायर शेप का आपको क्या देखने को मिलेगा संगटम सेंटोरियम तो संगटम सेंटोरियम यहाँ पर कैसा दिखेगा आपको स्क्वायर शेप का ठीक है एंड दूसरी चीज नागरा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर में कोई भी एंटर कर सकता था ठीक है संगटम सेंटोरियम ठीक है दैट इज गर्भगृह में कोई भी पर्सन एंटर कर सकता है ठीक है जिसको बेसिकली टेम्पल में एंटर करना अलाउड है वो आपका जो आपका गर्भगृह है वहां पर भी एंटर कर सकता है बट इन साउथ इंडिया ठीक है साउथ इंडिया के कॉन्टेक्स में अगर बात की जाए तो यहां पर आप क्या देखेंगे सिर्फ जो आपके मेन प्रीस्ट हैं ठीक है थीके, जो मुख्य पुजारी हैं एंड उनको जो असिस्ट करने वाले लोग हैं ठीक है दैट इज जो असिस्टेंट प्रीस्ट हैं वो लोग ही एंटर कर सकते हैं गर्भगृह में उनके अलावा कोई भी एंटर नहीं कर सकता इन द गर्भगृह ठीक है ये आपका क्या हो गया गर्भगृह का कॉन्सेप्ट फोर्थ आई एम so सो सॉरी ठीक है नाउ फोर्थ कॉन्सेप्ट की अगर बात की जाए गाइस ठीक है फोर्थ कॉन्सेप्ट की अगर अपन बात करेंगे तो फोर्थ कॉन्सेप्ट में आप क्या देखेंगे अपन ने बात की थी बाउंड्री वॉल्स की ठीक है बाउंड्री वॉल्स की अपन ने बात की थी तो अपन ने क्या देखा था नागरा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर में जनरली बाउंड्री वॉल्स नहीं होते ठीक है जनरली क्या है बाउंड्री वॉल्स नहीं होते वेर एज द्रविडियन स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर में आप क्या देखेंगे दैट अपने बाउंड्री वॉल्स होते हैं कंपलसरीली आपको यहाँ पे बाउंड्री वॉल्स देखने को मिलेंगे बाउंड्री वॉल्स के साथ साथ जो आपका सरकम एम्बुलेटरी पाथवे है ठीक है दैट इज आपका क्या है परिदक्षिणा पथ है वो आपको कवर्ड दिखेगा ठीक है ढका हुआ होगा कवर्ड सकम एम्बुलेटरी पाथवे दिखेगा आपको ठीक है उसके बाद आप क्या देखेंगे यहाँ पर बाउंड्री वॉल्स पे आपको जैसे एंट्री गेट थे ठीक है यहाँ पर आपको तोरण द्वार की जगह आप क्या कहेंगे यहां पर गोपुरम ठीक है यहां पर इन चीजों को क्या कहा जाएगा गोपुरम जो एंट्री गेट्स है उनको क्या कहा जाएगा गोपुरम नाउ गोपुरम जो क्या है गोपुरम आप क्या देखेंगे ये बेसिकली जैसे दो सींगों को ठीक है गाय के जो सींग होते हैं उनको इस तरीके से अरेंज कर दिया हो ठीक है कुछ इस तरीके से अरेंज कर दिया हो इस शेप में आपको बेसिकली गोपुरम दिखाई देंगे ठीक है इस शेप में आपको गोपुरम दिखाई देंगे कुछ इस तरीके से ठीक है इस तरीके से आपके कुछ गोपुरम होंगे नाउ गोपुरम हो गया ठीक है सर्कम सर्कम एम्बुलट्री पाथवे कैसा है कवर्ड है नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो वाटर टैंक है गाइस ठीक है यहाँ पर आपको लगभग सारे टेंपल्स में आपको वाटर टैंक दिखाई देंगे ठीक है दैट इज जो होली वाटर का कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है ठीक है वाटर स्टोर करके रखा जाता था मंदिर के परिसर में ठीक है इन द प्रोमाइस ऑफ द टेम्पल आपको क्या दिखेगा वाटर टैंक का दिखेगा, ठीक है अब इस वाटर टैंक को जनरली किस लिए यूज करते थे जैसे आप क्या करें जैसे ही आप एंटर हुए ठीक है? आप एंटर हुए बाहर से बाहर से आप आए टेंपल के अंदर तो पहले आप क्या करेंगे उसमें नहाएंगे ठीक है पवित्र होंगे फिर आप क्या करेंगे मंदिर में एंटर करेंगे ठीक है तो बेसिकली ये आपको प्योरिफाई करने के लिए वाटर टैंक का कॉन्सेप्ट रखा गया था ठीक है अब आप क्या देखेंगे गाइज बेसिकली द्रविडियन स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर में या साउथ इंडियन टेम्पल में आप क्या देखेंगे जितना आपका एम्पायर बड़ा होता था ठीक है जितना एम्पायर बड़ा होगा दैट इज अपन देखेंगे लेट्स से आपका ए किंगडम है ठीक है, है, है उसका छोटा एम्पायर है ठीक है स्मॉल एम्पायर है ठीक है बी किंगडम है उसका बहुत ही बड़ा एम्पायर है ठीक है सी किंगडम का सबसे ज़्यादा बड़ा एम्पायर है वेरी लार्ज एम्पायर ठीक है तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा जो आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा वो बेसिकली आपको मंदिरों पर देखने को मिलेगा ठीक है जितना ज्यादा एरिया आपके पास होगा ठीक है जितना बड़ा आपका एम्पायर होगा उतना ही बड़ा आपका क्या होगा टेम्पल का परिसर होगा ठीक है टेम्पल का परिसर होगा दैट मीन्स बहुत ही बड़े एरियाज में आपका टेम्पल होता था ठीक है टेम्पल जैसे छोटे से एरिया में हो गया बट उनके पास जो मेन लैंड होती थी ठीक है जो टेम्पल लैंड थी वो बहुत बड़ी थी ठीक है मंदिर की जो भूमि थी वो बहुत बड़ी थी तो बेसिकली ये जो टेम्पल लैंड थी वो ना सिर्फ पूजा के लिए या फिर मंदिर के लिए काम में ली जाती थी टेम्पल की जो लैंड है उसको आप क्या करते थे एजुकेशनल पर्पस के लिए भी काम में लेते थे ठीक है यहाँ पर आप देखेंगे फेयर्स भी लगाए जाते थे ठीक है जो आपके मेले वगैरह भी लगाए जाते थे मीटिंग्स भी, भी होती थी ठीक है मंदिर आप देखेंगे बैंक्स का भी काम करते थे ठीक है बैंक्स का भी काम करते थे देन जितने भी आपके क्या है कुछ प्लानिंग हुई जैसे वाटर सप्लाई वगैरह की प्लानिंग हुई ये सारी प्लानिंग्स में मंदिर मंदिर के पुजारी ये सब आपको हेल्प करते थे ठीक है सब हेल्प करते थे ठीक है तो गाइज अपन क्या देखेंगे जितना बड़ा एम्पायर होगा ठीक है जितना बड़ा एम्पायर होगा जैसे अपन ने ए बी या सी लिया ठीक है तो का आप क्या देखेंगे जो एरिया होगा टेम्पल का वो छोटा होगा ठीक है अलोंग विद दैट विमान की जो हाइट होगी ठीक है विमान की जो हाइट होगी दैट इज़ ये जो हाइट है वो भी कम होगी ठीक है तो आप कभी भी साउथ इंडिया जाएं ठीक है कभी भी साउथ इंडिया जाएं तो आप हाइट के अकॉर्डिंग पता लगा सकते हैं ठीक है जैसे आपके गाइड ने बताया लेट्स से ये क्या है विजयनगर एम्पायर का टेम्पल है ठीक है तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर हाइट बहुत ज़्यादा होती है ठीक है विमान की हाइट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको ठीक है तो क्या देखेंगे आप मतलब क्या था विजयनगर एम्पायर वॉज वेरी पावरफुल ठीक है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा ठीक है एरिया वाइज आपको क्या देखने को मिलेगा एरिया वाइज आपको देखने को मिलेगा दैट जो एक्सटेंट था ठीक है जो एम्पायर का एक्सटेंट था वो बहुत ही बड़े एरिया में था ठीक है वो बहुत ही बड़े एरिया में था तो जो विमान की जो हाइट होती है वो पावर को बताती है बेसिकली रूलर और एम्पायर के पावर को बताती है ठीक ठीक है 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 एंड जो जो एरिया 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 होता होता वो बेसिकली को बताता है कि कितना area, कितना ज्यादा आपके अंडर है अंडर आता है इस एम्पायर के अंडर आता है गेटिंग द पॉइंट एवरी ठीक है तो ये अपन ने क्या देखा बेसिकली ये आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं द्रिवेडियन स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर के ना आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा गाइज ठीक है so, सो आज के लिए अपन यहीं तक अपना रखते हैं गाइज ठीक है अपन ने आज देखा नागरा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर को एंड द्रिवेडियन स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर को ठीक है तो आज के लिए अपन इन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को रखते हैं इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट नागरा सॉरी वेसरा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर ठीक है एंड फर्दर अपन आगे पढ़ेंगे आंध्र प्रदेश ठीक है एंड उसमें जो अपने इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं उनके बारे में ठीक है ना गाइज इफ़ यू लाइक द वीडियो आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ठीक है शेयर कीजिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ एंड प्लीज़ डू कमेंट ठीक है बताइए क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं हम इस वीडियो में ठीक है और किस तरीके से इन क्लासेस को मॉडिफाई कर सकते हैं ठीक है और कैसा लगा क्या क्या चेंजेस आने चाहिए एनी क्वेरीज ठीक है ये सारी चीज़ें आप हमें बताइए in the comment box. Thank you everyone. Have a nice day.